तो दोस्तों कुमकुम भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलेगा दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से इस समय बात की जाए आखिरकार प्राची की। तो प्राची को पता लग चुका है कि उसकी बहन भी यहाँ पर आ चुकी है और उसकी बहन रिया आने के बाद में सीधा सीधा रिया और रणवीर की शादी होने जा रही है। दोस्तों अब प्राची का चैप्टर रणवीर की लाइफ से घर वाले जल्दी ही क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि घर वालों का मानना यह है कि प्राची इतने समय से जिंदा थी और जिंदा होने के साथ साथ में प्राची ने कभी भी इस घर में आना उचित नहीं समझा और अपना पॉइंट अलग ही रखती हुई नजर आई थी प्राची, इसलिए अब प्राची का यहाँ पर रहना भी ठीक नहीं है। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कहानी में वाकई में दिलचस्प नज़ारा दिलचस्प पोस्ट देखने को मिलेगा। अगर बात की जाए इस वक्त की तो सबसे बड़ी खबर मिल रही है हम लोगों के बीच में कि जल्दी ही देखने को मिलेगा कि किस तरीका से प्राची साफ साफ बोलती हुई नजर आने वाली है कि अगर सभी लोगों ने ये डिसाइड कर लिया है कि रणवीर और रिया की शादी होगी तो ये शादी होनी भी चाहिए। दोस्तों वहीं पे बात की जाए तो इस समय प्राची को पूरी तरीका से दिल जान से प्यार करते हुए नजर आ रहे हैं आखिरकार प्राची के बॉस के बेटे अक्षय। जी हाँ, अक्षय ने प्रपोज भी कर दिया है प्राची को और प्राची भी बोलती हुई नजर आ रही हैं कि हाँ हमें तुम्हारा एक्सेप्टेशन एक्सेप्ट है, लेकिन अभी हमें थोड़ा समय और चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि थोड़ा समय लेती हुई नजर आने वाली है प्राची, क्योंकि दोस्तों प्राची को लग रहा है कि किसी भी तरीका से रणवीर और रिया अगर शादी कर लें तो उसके बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए अपनी बेटी को ले सकती हूं, क्योंकि दोस्तों वहां पर प्राची को पूरा शक हो चुका है कि खुशी कोई और नहीं बल्कि मेरी खुद की बेटी है। और अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार किस तरीका से सपोर्ट और साक्ष करती हुई नज़र आ रही है इस वक्त। और आप लोग जानते ही हैं कि प्राची की बात की जाए तो प्राची और रिया में एक दूसरे के लिए अब थोड़ा प्यार तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि किसी ने उम्मीद नहीं की थी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।